हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेम क्वांटम एंड लेजर फिजिक्स यूनिट 1 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, जीपी थॉम्सन जो कि एक महान साइंटिस्ट जे थॉम्सन के सुपुत्र थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके द्वारा उन्होंने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जिसको हम वेव पार्टिकल डुअलिटी के नाम से भी जानते हैं, उसको कंफर्म किया था। अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, 1925 में सर डी ब्रोगली ने हमें ये सजेस्ट किया था कि हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, मीन्स पार्टिकल जो है वो वेव लाइक बिहेवियर भी शो करता है, और हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होती है उसको हम मैटर वेव्स बोलते हैं। वेव एसोसिएटेड है तो उस वेव की कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगी, और उस वेवलेंथ को हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। और उस डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला हमें सर डी ब्रोगली ने 1925 में दिया था वो ये था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जहाँ पर एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, एम एंड वी जो है मास एंड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल है। तो स्टूडेंट्स, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली हम एक एक्सपेरिमेंट से पहले भी कर चुके हैं, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट ने भी इस हाइपोथेसिस को कंफर्म किया था, और जीपी थॉम्सन ने भी कुछ अलग एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज करके सेम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया था। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि आप इस एक्सपेरिमेंट में कैसा डायग्राम बनाएंगे, फिर हम इस एक्सपेरिमेंट की थ्योरी की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जीपी थॉम्सन ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज किया था वो कुछ इस प्रकार से था। इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, आइए एक एक करके सारे पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला पार्ट है इलेक्ट्रॉन गन, जिसमें एक फिलामेंट लगा हुआ है एफ, जिसको हमने कनेक्ट किया हुआ है एक लो टेंशन बैटरी B1 के साथ। जब बैटरी B1 के कारण फिलामेंट एफ में से करंट पास होगा तो थर्मो आयनिक एमिशन के कारण इस फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होगी। उस इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट करने के लिए, नैरो फाइन बीम में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल एनोड यूज किया है, जिसमें एक फाइन होल है बीच में, एक छोटा सा होल यहाँ पर दिया गया ताकि इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से पास हो सके। और इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट करने के लिए इस एनोड को, इस सिलेंड्रिकल एनोड को एक हाई टेंशन बैटरी B2 से कनेक्ट किया गया है, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट हो सके। यहाँ पर जो पोटेंशियल दिया गया है बैटरी B2 को, वो 10 किलोवाट से लेके 50 किलोवाट तक दिया जाएगा, मींस यहाँ पर काफी आपको एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन बीम क्या करेगी, टारगेट के ऊपर फॉल करेगी। अब टारगेट किस चीज का लेना है आपने, टारगेट आप किसी भी मेटल का ले सकते हैं, गोल्ड सिल्वर, पर वो जो टारगेट होगा वो फॉयल की फॉर्म में होगा, और उसकी जो थिकनेस आपने लेनी है वो बहुत ही कम लेनी है, 10^-6 मीटर के ऑर्डर की लेनी है आपने। तो स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रॉन जो हैं इस टारगेट के ऊपर फॉल होंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स का डाइफ्रैक्शन होगा, और आपको फोटोग्राफिक प्लेट जो कि यहाँ पर स्क्रीन की तरह काम करेगी, वहां पर आपको डाइफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा जो कि कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में होगा। तो स्टूडेंट्स, ये सारा जो सेटअप होगा ये एक इवैक्यूएटेड ट्यूब में किया जाएगा, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, आइए बात करते हैं इस टॉपिक की थ्योरी की। दिस एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है, ये एक्सपेरिमेंट हमें प्रूफ देता है, एविडेंस देता है किस चीज का, कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, मींस डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को ये कंफर्म करता है ये एक्सपेरिमेंट, वेव पार्टिकल डुअलिटी को कंफर्म करता है ये एक्सपेरिमेंट। द एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज्ड बाय जीपी थॉम्सन इन दिस एक्सपेरिमेंट इज शोन इन फिगर। जीपी थॉम्सन ने इस एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज किया था वो कुछ इस प्रकार से था, फिलामेंट एफ इज हीटेड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। फिलामेंट एफ को हीट किया जाएगा, और हीट किससे हम कर सकते हैं, फिलामेंट एफ को करंट के द्वारा हीट कर सकते हैं। जब फिलामेंट हीट होगा तो थर्मोआयनिक एमिशन के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे।
द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय फिलामेंट एफ ड्यू टू थर्मो आयनिक एमिशन. तो स्टूडेंट्स फिलामेंट एफ का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करना. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर देन एक्सेलरेटेड अंडर अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 किलोवाट टू 50 किलोवाट अप्लाइड टू सिलेंड्रिकल एनोड ए बाय बैटरी बी टू. इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए आपको एक सिलेंड्रिकल एनोड यहाँ पर लगाना पड़ेगा और इस सिलेंड्रिकल एनोड को जो हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे वो हम देंगे बैटरी बी टू की हेल्प से, जो कि एक हाई टेंशन बैटरी होगी. और पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने मेंटेन करवाना है वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर का करवाना है, 10 किलो वोल्ट से लेके 50 किलो वोल्ट तक आपने पोटेंशियल डिफरेंस करवाना है, ताकि आपकी जो इलेक्ट्रॉन बीम हो वो हाईली एक्सेलरेटेड हो. तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स, इसके आगे की थ्योरी हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर. तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आप इस टॉपिक की थ्योरी में और क्या लिख के आएंगे. अ फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट ऑफ द एनोड ए इज मेड टू फॉल ऑन अ थिन फॉइल थिकनेस इक्वल टू 10^-6 सेंटीमीटर ऑफ अ मेटल लाइक गोल्ड सिल्वर एटसेट्रा. एनोड से निकलने वाली फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अब आप एक टारगेट के ऊपर फॉल करवाएंगे, जो कि एक थिन फिल्म की फॉर्म में होगा, जिसकी थिकनेस होगी 10^-6 सेंटीमीटर, और ये थिन फॉइल की फॉर्म में होगा. और ये थिन फॉइल आप किसी भी मेटल के ले सकते हैं, जैसे कि गोल्ड सिल्वर एटसेट्रा. द इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर डाइफ्रेक्शन आर रिसीव्ड ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट प्लेस विद इट्स प्लेन पैरेलल टू द फॉइल. अब जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस थिन फिल्म के इंट्राटॉमिक प्लेन्स के द्वारा अलग अलग डायरेक्शंस में डाइफ्रेक्ट होंगे, तो आपको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर आपको एक डाइफ्रेक्शन पैटर्न जो है वो देखने को मिलेगा. द फोटोग्राफिक प्लेट शो द पैटर्न ऑफ अ नंबर ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स अराउंड द सेंट्रल स्पॉट. आपको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो डाइफ्रेक्शन पैटर्न दिखाई देगा वो कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में दिखाई देगा, और ये कंसेंट्रिक रिंग जो है एक सेंट्रल सपोर्ट के अराउंड ही बनेंगी. तो स्टूडेंट्स इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला, क्योंकि यहाँ पर आपको डाइफ्रेक्शन पैटर्न दिखाई दिया है, मींस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर डाइफ्रेक्शन फिनोमेना शो किया है, और डाइफ्रेक्शन फिनोमेना हमेशा वेव प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए माना जाता है. इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर एग्जिबिट करते हैं. तो यहाँ से आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है वो कन्फर्म होता है. मूविंग पार्टिकल्स मीन्स मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पर वेव नेचर शो किया है, तभी तो आपको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर डाइफ्रेक्शन फिनोमेना जो है, डाइफ्रेक्शन पैटर्न जो है वो देखने को मिला है. तो स्टूडेंट्स यही कंक्लूजन हम बाद आगे लिखेंगे अगले सेक्शन में, और थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल पोर्शन भी है इस टॉपिक का, वो भी हम देखेंगे आने वाले सेक्शन के अंदर. आइए स्टूडेंट थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं इस टॉपिक का, और कैसे आप जो आपको डाइफ्रेक्शन पैटर्न मिलेगा फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स, उन कंसेंट्रिक रिंग्स की रेडियाई का यूज करके आप इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ को फाइंड कर सकते हैं. आइए देखते हैं कैसे. तो आप हेडिंग बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा फ्रॉम रेडियाई ऑफ रिंग्स. तो कैसे आप इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेव का वेवलेंथ फाइंड करेंगे इन रिंग्स की रेडियाई की हेल्प से. तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी फोटोग्राफिक प्लेट, और ये था हमारा गोल्ड फॉइल जिसको हम टारगेट बोल रहे थे. और स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट होगी गोल्ड फॉइल के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ रे ए बी. यहाँ पर बी पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है और थीटा एंगल पर डाइफ्रेक्ट होकर ये आपको ये वाली रिंग जो है आपको देगी, और ये हमारा सेंट्रल स्पॉट है सी. हम मान लेते हैं इस रिंग की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और फोटोग्राफिक प्लेट और गोल्ड फॉइल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है. तो इसी डायग्राम को यूज करेंगे हम. तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्या लिखेंगे. लेट ए बी बी द इंसिडेंट बीम पासिंग थ्रू गोल्ड फॉइल एट बी. तो हम मान लेते हैं कि ए बी एक इंसिडेंट बीम है इलेक्ट्रॉन की, जो कि गोल्ड फॉइल में से पास हो रही है इस पॉइंट बी के ऊपर. द डायफ्रेक्टेड बीम फॉल्स एट द पॉइंट ई ऑन द स्क्रीन. जो यहाँ पर बी पॉइंट पर आकर जो इलेक्ट्रॉन बीम डायफ्रेक्ट होगी वो फोटोग्राफिक प्लेट मीन स्क्रीन के ऊपर ई पॉइंट पर आकर मिलेगी. एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंट्रल स्पॉट सी एज शोन इन फिगर्स. और जो ई पॉइंट है वो सेंट्रल स्पॉट से कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर है. लेट कैपिटल डी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन गोल्ड फॉइल एंड फोटोग्राफिक प्लेट. डी जो है वो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का. फ्रॉम फिगर इज टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है आर, और बेस कितना है इस ट्रायंगल का. अगर हम ट्रायंगल बी सी ई की बात करें, परपेंडिकुलर आर होगा और बेस डी होगा, तो टेन थीटा जो है वो आर बाय डी आ जाएगा. यहाँ पर जो थीटा है वो बहुत ही स्मॉल एंगल है. यहाँ पर हमने डायग्राम बनाने के लिए इसको काफ़ी बड़ा बनाया है, एक्चुअली ये एंगल जो है वो बहुत छोटा है. और स्मॉल एंगल्स के लिए
थीटा को हम टैन थीटा या टैन थीटा को थीटा भी मान सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, टैन थीटा को हम सिंपली थीटा मान लेंगे फॉर स्मॉल एंगल्स ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थीटा लिख देंगे, दैट विल बी इक्वल टू आर अपॉन डी, बिकॉज टैन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा जो है वो बहुत स्मॉल है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। फ्रॉम ब्रैग्स लॉ, देखिए स्टूडेंट्स गोल्ड फॉइल से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वेव्स का डायफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा ब्रैग्स लॉ ऑफ डायफ्रैक्शन। और उसकी जो इक्वेशन होती है बहुत ही फेमस इक्वेशन है, वो होती है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, क्योंकि यहाँ पर एंगल स्मॉल है तो sin थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली थीटा मान सकते हैं। और अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन की बात करें तो n की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर सकते हैं। सो 2d थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2d। तो स्टूडेंट्स ये भी थीटा की वैल्यू है, ये भी थीटा की वैल्यू है, दोनों को कंपेयर करेंगे और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स फाइनली हम आ चुके हैं लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक में। पिछले सेक्शन में हम दो थीटा की वैल्यूज निकाल चुके थे, एक तो हमने इस फिगर से निकाली थी आर अपॉन डी, और दूसरी जो थीटा की वैल्यू निकाली थी वो हमने ब्रैग्स लॉ फॉर डायफ्रैक्शन इक्वेशन से निकाली थी, वो निकली थी लैम्डा बाय 2d। अब दोनों इक्वेशन कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी हैव, तो r बाय d जो है इसके बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2d के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2rd बाय कैपिटल d। r की वैल्यू हम यहां से फाइंड कर सकते हैं, इस रिंग की रेडियस फाइंड कर सकते हैं हम फोटोग्राफिक प्लेट की हेल्प से। स्मॉल d क्या है, स्मॉल d है इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन द गोल्ड फॉइल, वो हमें पता होती है, ये कांस्टेंट होती है। किसी भी मेटल के अंदर जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है उसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो स्टूडेंट्स जो कैपिटल डी है वो गोल्ड फॉइल और फोटोग्राफिक प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, वो हमें पता होगा, वो हम मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से लैम्डा हम निकाल सकते हैं, यहाँ से जो लैम्डा निकलेगा और जो डी ब्रोगली रिलेशन से जो वेवलेंथ की वैल्यू होती है, जब किसी इलेक्ट्रॉन को वी वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर एक्सेलरेट करवाया जाता है तो उसके साथ जो डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल 12.27 बाय रूट वी, ये एंगस्ट्रॉम में होता है। और स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रॉन बीम ले रहे हैं वो काफी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम ले रहे हैं, ये फॉर्मूला हम कब ड्राइव करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जो है वो फाइनाइट होती है। बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 किलो वोल्ट से 50 किलो वोल्ट तक के पोटेंशियल डिफरेंस पर एक्सेलरेटेड है, तो उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो हमें यहाँ पर कुछ रिलेटिविस्टिक करेक्शन भी अप्लाई करनी होगी इस फॉर्मूले में। तो स्टूडेंट्स रिलेटिविस्टिक करेक्शन अप्लाई करने के बाद जो हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी यहाँ से, और यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू मिल रही है वो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ से कंफर्म होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर भी शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आगे लाइंस लिखेंगे, बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ आर डी एंड कैपिटल डी लैम्डा ऑफ डायफ्रेक्टेड बीम कैन बी कैलकुलेटेड। अगर हम यहाँ पर आर डी कैपिटल डी की वैल्यूज पुट कर दे तो हमें लैम्डा मिल जाएगा डायफ्रेक्टेड बीम का। The experimental value of lambda from equation 3 was found to be same as the theoretical value calculated from de Broglie relation. जो इस formula से हमें lambda मिलेगा और जो हमारा de Broglie relation होता है lambda के लिए 12.27 divided by square root of v. यहाँ तक तो आपको same बताया मैंने, ये कब होता है relation, जब electron की velocity finite होती है, but यहाँ पर electron जो है वो highly accelerated है, तो हमें यहाँ पर नीचे कुछ correction करनी पड़ेगी, साथ में एक factor लगाना पड़ेगा 1 plus alpha by 2. अल्फा को हम बोलते हैं यहाँ पर रिलेटिविस्टिक करेक्शन फैक्टर, और अल्फा की जो वैल्यू होती है वो होती है ईवी बाय एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ से जो लैम्डा निकलेगा और यहाँ से जो लैम्डा निकलेगा वो बिल्कुल सेम अप्रोक्सीमेटली सेम निकलेगा, तो यहाँ से कंफर्म होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डायफ्रैक्शन पैटर्न शो करते हैं, डायफ्रैक्शन फिनोमेना शो करते हैं, और डायफ्रैक्शन जो है वो सिर्फ वेव्स ही प्रोड्यूस कर सकती हैं, ये एक वेव फिनोमेना है डायफ्रैक्शन फिनोमेना, तो यहाँ से कंफर्म होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर भी शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपका जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट, मैक्सिमम 6 मार्क्स से ऊपर का नहीं आएगा ये टॉपिक। तो स्टूडेंट्स 4, 5, 6 इतने मार्क्स की कैटेगरी में ही क्वेश्चन आता है, तो जितना मैंने आपको आज बताया है, जो जो आपको लिखवाया है, अगर आप वो एग्जाम में लिख आते हैं तो आपको 100% पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वांटम एंड लेजर फिजिक्स के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।